हम लोग अभी कहाँ पे है? एकदम जंगल के बीचों बीच, कोई नहीं है यहाँ पे। भाई गलत आ गए क्या? Hey guys, good morning. एंड साथ में चीतू एंड और एक रोड ट्रिप की जो प्लानिंग था वो ट्रिप नहीं है। बस नजदीक में दो तीन जगह है। कौन सी जगह जाएंगे मेरा भाई बोलेगा, क्योंकि हमारे पास दो तीन जो जगह है, जो जगह देखा नहीं है चीतू बोल रहा वो जगह पे चलेंगे। कौन सी जगह बताया भाई जाएंगे? बिलेश्वरी। तो हम लोग जा रहे हैं बिलेश्वरी टेम्पल, जो कि ऑलमोस्ट 38-40 किलोमीटर दूर है यहाँ से। एंड या एक घंटा पकड़ लो, आराम से जाएंगे। एक घंटे में पहुँच जाएंगे, रुक रुक के जाएंगे, शूट करके जाएंगे। लेकिन हमारे पास दो तीन और जगह था, लेकिन हम लोग देख चुके हैं, इसीलिए सोच रहे हैं कि बिलेश्वरी जाएंगे। मैं तो गया हूँ इससे पहले तीन चार बार। मैं गया नहीं, बोला कि चलो वहाँ पे चलते हैं। और संग्राम भाई वो तो फोन नहीं उठा रहे आज ही। चल हम प्लानिंग कर रहे थे सिक्किम जाएंगे सुबह सुबह। सोच लो फिर, बोला सिक्किम जाते या और कहीं पर जाते, अभी तक फोन नहीं उठा रहे। और गेटअप कुछ ऐसा है, हम लोग आज इंटरव्यू देने जा रहे हैं। आज सिंपल में जाएंगे, व्हाइट शर्ट जींस शूज बाइक बस। आप लोग तो देखे होंगे ना टी शर्ट में, हमेशा हर ब्लॉग में टी शर्ट। तो आज शर्ट में सोचे कि एक ब्लॉग बना ले। एक्चुअली वो प्लानिंग नहीं था, धूप है इसलिए टैन ना हो जाए, इसलिए शर्ट पहन के हम लोग जा रहे हैं। तो चलो मिलते हैं रास्ते पे कहीं। सो ट्रिप कर स्टार्ट कर रहे हैं, 10:20 हो गया। चले भाई बढ़िया से जाए, बढ़िया से घर रिटर्न आए। एंड जय माता दी। और एक रोड ट्रिप और एक मोटो ब्लॉग में आपका स्वागत है। एंड बढ़िया है रेलवे का गेट नहीं लगा है, नहीं तो यहाँ पे 10-15 मिनट खड़ा रहना पड़ता है। हाँ रास्ता मस्त है, बलोर चौक यहाँ से 5-6 किलोमीटर, बस वहाँ तक थोड़ा डस्ट मिलेगा, तो जितना जल्दी हो। अरे साला तो इसीलिए भगा रहे हैं, क्योंकि ट्रक के पीछे जाएंगे तो डस्ट पूरा मिलेगा। और आज धूप निकला हुआ है, मैं ग्लोव्स निकाला था, मुझे पता है ये वाला रास्ते में जाएंगे तो डस्ट मिलेगा, इसलिए मैंने ग्लोव्स भी निकाला था, लेकिन वहाँ जल्दबाजी में छोड़ दिया। 11:30 तक अगर पहुँच जाएंगे, आधा एक घंटा पकड़ लो उधर, मतलब तो घर 2 तक मैक्सिमम पहुँच जाएंगे। तो हम लोग बलर चौक पहुँच चुके हैं। एंड यहाँ से सीधा नहीं जाना है, हम लोग को लेफ्ट जाना है। साइड दे दे घोड़ा गाड़ी, क्या बात है, म्यूजिक लगाते हुए घोड़ा गाड़ी। नहीं यार कितना डस्ट, तो मैंने मास्क भी नहीं पहना, सोचा कि हेलमेट के अंदर मास्क क्यों पहनूंगा, नहीं तो ब्लॉग बना नहीं पाएंगे मोटो ब्लॉग, इसलिए मैंने मास्क नहीं पहना। तो लेकिन सोच रहा हूँ कि गलत किया मास्क ना पहन के, साले को ही मौका है ओवरटेक करने के। तो जान में जान है, इतना धूल उड़ा रहा था ये। तो लो हम लोग आ गए हैं, ये रहा ब्राह्मणी रिवर नीचे, और एकदम ख़राब कंडीशन में है ये ब्रिज। तो हम लोग सरंग पहुंच चुके हैं, एंड यहाँ पे रास्ता का काम चल रहा है, सो डाइवर्सन मिलेगा हमको यहाँ पे। एंड ये जो रहा वो रहा पुराना वाला रास्ता, यहाँ से डाइवर्सन यहाँ हुआ है। पिछले बार हम लोग आए थे तो वो रास्ते में चले गए थे, जबकि हमको लेना है ये वाला रास्ता। रास्ते के उस साइड पे है HIT सरंग। तो एक्चुअली हम लोग अभी कनेक्ट किए हैं, जो मेन रास्ता है यहाँ से चौड़ा मिलेगा, पूरा वाइड मिलेगा रास्ता, इधर से और डस्ट नहीं मिलेगा, होप कर रहे हैं, बोल नहीं सकते। लेकिन यहाँ से दोनों तरफ ग्रीनरी जंगल, तो यहाँ से मज़ा आ जाता है। यहाँ से भी डाइवर्सन का काम, शायद हमको जाना है राइट, सही जा रहे हैं ना हम लोग? हाँ हमको वैसे भी आगे से राइट जाना है, तो पहले से उधर वाले रास्ते में जा रहे थे, लेकिन अभी ये वाला रास्ते में छोड़ रहे हैं। अरे कहाँ आ गए हम लोग भाई, गलत आ गए क्या? गलत आ गए हम लोग, शायद हम लोग गलत आ गए। मैं सोचा कि ये डाइवर्सन आगे जाके मिलेगा, सो हम लोग गलत आ गए थे, बस थोड़ी सी दूर आ गए। एंड देखे कि ये गांव के अंदर जा रहा है, तो लेकिन वो जो डाइवर्सन है वहाँ से हमको जाना है, अभी ये कनेक्ट नहीं किए हैं, बस वो वाला रास्ते में हमको जाना है।
चलो कोई नहीं, बस 100 मीटर ही आगे गए थे, लेकिन यहाँ से हमको जाना है ये वाला रास्ता लेके। अगर आ रहे हो तो ये वाला रास्ता ले लो, वो फंक्शनल नहीं है अभी। और यहाँ पे बोर्ड में लिखा गया है परजंग 7 किलोमीटर कामाख्या 31 एंगल 66, हमको वहाँ तक शायद नहीं जाना है। यहाँ पे भी एक घोड़ा वाला खड़ा है, घोड़ा भी है, और हमको जाना है यहाँ से राइट। छोटा सा मार्केट लगा रहता है यहाँ पे, जब भी आते हैं हम लोग ये सब सीन देख के बढ़िया लगता है। पिछली बार भी आए थे, ये रास्ता बना नहीं था, अभी थोड़ा बैड पैच मिल गया इसी बीच, इसीलिए फोटो ब्लॉक करके वो से पता नहीं चलता। तो रास्ता यहाँ से फिर बढ़िया हो गया है, लेकिन सामने अभी सूर्य भगवान एकदम ऊपर बोल रहे बेटा जितना भगाना है भगा, मैं तो स्ट्रॉ लेके बैठा हूँ। इतना बढ़िया तालाब है यार, पूरा लोटस का ये फ्लावर भरा हुआ है, एंड लोग नहा रहे हैं आसपास के गांव के लोग। एकदम बुरा वाला पैच फिर से, चलो अच्छा है कि पानी डाल दिए, नहीं तो इतना डस्ट उड़ता और हालत ख़राब हो जाता हमारा। सभी हम लोग 11 बजने के लिए 5 मिनट बाकी है, ऑलमोस्ट आधा आ चुके हैं और थोड़ी सी आगे है। परजंग के अंदर हम लोग नहीं गए, ये वाला जो नया रास्ता इसके अंदर से हम लोग जा रहे हैं। एंड भाई धूप फट रहा है, मतलब फट रहा है, एक्चुअली फट रहा है। गाड़ी में जो जा रहे थे ऐसा पता नहीं चल रहा था, लेकिन अभी यहाँ पे खड़े के बाद ही पता चलता है कि कितना गर्मी है, बहुत ज्यादा धूप है यार। एंड मेरा भाई आज व्हाइट शर्ट पहन के आया, आज एक ही दिन के लिए, वो जाके फिर वापस बस। सो क्योंकि इतना धूल मिट्टी पिछले बार हम लोग आए थे इतना नहीं था, लेकिन इस बार ज़्यादा थोड़ा रोड खराब है बीच में, तो इस बार थोड़ा मतलब धूल मिट्टी ज़्यादा है एंड गड्ढे भी बहुत हैं। चलो आगे बढ़ते हैं। सो हम लोग अभी कहाँ पे हैं, एकदम जंगल के बीचों बीच, कोई नहीं है यहाँ। मज़ा आ रहा है कि नहीं भाई? मज़ा तो आ रहा है, धूप के चलते थोड़ा हाँ वो है, मज़ा आ रहा है। अगर धूप कम हो जाता एंड क्लाउडी सा मौसम आ जाता तो मज़ा आ जाता, डबल हो जाता मज़ा। रोड पे कोई नहीं है, जंगल ही जंगल चारों तरफ। मतलब सोचो हम लोग यहाँ पे 5 मिनट हो गया, अभी एक गाड़ी आ रहा है, मतलब पता कर लो 10 मिनट में एक गाड़ी क्रॉस कर रहा है। मैं बोला भाई को, बोला कि रास्ते में ऐसे रास्ता नहीं मिलेगा, और दोनों तरफ पेड़ और ऐसे टायर मार्क रास्ता की एक रील बना लो तो ऐसे में मौका नहीं मिलेगा, क्योंकि बनाते हुए काफी टाइम हो गया, तो घर से निकलोगे तो ये सब मजा उठा पाओगे। संग्राम भाई कल तक बोल रहे थे रात तक, रात 10 बजे तक मैं रेडी हूँ, कभी भी बुलाओ, सुबह से फोन नहीं उठा रहे, सरप्राइज कर दिया हमको। लेकिन चलो कोई नहीं, लेकिन हम लोग तो आ गए और एक रोड ट्रिप पे, एंड बस थोड़ा सा दूर है, एंड टाइम 11:15 हुआ है अभी, और 10-15 मिनट में पहुंच जाएंगे माता के दरबार में। एंड वहाँ पे एक सुने केव है, वहाँ पे गुफा है, वो देखा नहीं हूँ, इस बार देखेंगे माता का मंदिर से थोड़ा आगे, अगर वो होगा तो वो भी देख लेंगे। सीतू का पहली बार है, कैसा? आई एम मच एक्साइटेड ब्रो, मच 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 एक्साइटेड। एंड बस जल्दी पहुँचेंगे अभी माता के मंदिर पे, दर्शन करेंगे एंड ब्लॉग को आगे बढ़ाएंगे। फिलहाल चलते हैं भाई, यहाँ पे माँ बबलेश्वर इधर से पीछे देख दो। सो हम लोग जाएंगे यहाँ से राइट एंड यहाँ से बस और 3 किलोमीटर दूर है। ये जो पूरा देख रहा है ना, ये और इधर वाले, ये यहाँ पूरा पिकनिक होता है। छोटा सा नाला आ गया, इसको क्रॉस करके जाना पड़ेगा, वाटर क्रॉसिंग। देखो उधर अंदर, मतलब अभी से फिश चालू हो गया। मेरा भाई कह रहा है सही टाइम पे आए हैं, खाने के टाइम में पहुंचे हैं, दर्शन करके आएंगे, इतना सारा पार्टी है, कहीं ना कहीं जुगाड़ हो जाएगा। अरे कोई तो जान पहचान का मिल लो, कोई तो रोक लो। हाय गाइस, कोई तो रोक लो। है आज लोग है एंड वहाँ पे कुछ पार्टी, वहाँ पे पिकनिक कर रहे हैं, कुछ यहाँ पे कर रहे हैं, एंड शायद ये सब आसपास के गांव के लोग हैं जो पैदल आए हैं, यहाँ पे कुछ ग्रुप कर रहे हैं। एंड ट्रैफिक बॉस, इससे पहले संग्राम भाई मैं आए थे यहाँ पे, कुछ भी ट्रैफिक नहीं था एंड क्या बात है, सो ट्रैफिक ट्रैफिक ट्रैफिक
संडे है इसीलिए मैं वो ही कह रहा था, माता का आज पूजा है। मैं सोचा था लोग इतना नहीं होंगे, आराम से हम लोग दर्शन करके निकल जाएंगे, लेकिन यहाँ पे लोग बहुत हैं, बोल सकते हो हजारों में यहाँ पे श्रद्धालु पहुँचे हैं। तो अभी हम लोग एग्जैक्टली मंदिर के सामने ही है एंड भीड़ आप लोग देख सकते हैं। तो यहाँ पे जूता रख लिए, हेलमेट में रख दिया, ये भाई का दुकान है एकदम मंदिर के ऑपोजिट में है, लेकिन हेलमेट से GoPro मैंने निकाल लिया। एंड यहाँ से पूजा के लिए दीप अर्पण करने के लिए लेके जा रहे हैं एंड माता का दर्शन करेंगे। माता के सामने कैसा फील ले रहे हैं? मतलब लगता है कि एनर्जी मतलब अलग टाइप का एनर्जी, एक्सपेक्ट नहीं था कि इतना सारा भीड़ होगा, क्योंकि यहाँ पे आज जो बलि दे रहे हैं वो लास्ट है, भीड़ है। और इससे पहले हम लोग आए कोई भी नहीं था, मंदिर खोल के हम लोग आए थे, लेकिन इस बार बहुत भीड़ है। तो बढ़िया से दर्शन हो गया हमारा एंड फिर अभी चलते हैं बाहर, और आगे एक गुफा है वहाँ पे भी जाएंगे एंड ब्लॉग बना रहे हैं, अंदर परमिशन है, कोई कुछ नहीं बोल रहे हैं। मेरे पीछे एकदम वहाँ पे जहाँ पे गैदरिंग है वहाँ पे बलि चढ़ा रहे हैं, तो कुछ लोग खड़े होकर देख रहे हैं, लेकिन मेरे को मन नहीं है, वो सब मैं देख नहीं सकता। एंड अभी फिलहाल दर्शन करके हम लोग बाहर निकल रहे हैं, बाहर से जूता पहनेंगे। लास्ट संडे है जो बलि चढ़ता है माता को, इसलिए पूरा भीड़ है। आ चुके हैं हम यहाँ पर, तो बढ़िया से दर्शन हो गया माता का, अभी मंदिर से बाहर आ चुके हैं एंड वहां से जो भैया से हम लोग दीप लिए थे वहां से जूता पहने एंड अभी आगे बढ़ रहे हैं। सुने हैं आगे गुफा है, तो थोड़ा सा ट्रेक करना पड़ेगा। तो चितू एंड मैं और कुछ लोग भी जा रहे हैं। अच्छा लगा नहीं, पहली बार आया हूँ, पहली बार में ही चौखा लगा दिया, दर्शन हो गया। बढ़िया से दर्शन हो गया, कितना दूर चलना पड़ेगा पता नहीं है, वो भैया कह रहे थे कि आधा किलोमीटर ज्यादा से ज्यादा, लेकिन पहुंचने से पता चलेगा एक्चुअल कितना दूर है। अभी आधा किलोमीटर भी एक किलोमीटर बराबर है, क्योंकि धूप ज्यादा है। पसीने से नहा चुके हैं हम लोग, साथ में पानी लाए हैं एंड कुछ खाना भी है। पहुंचेंगे वहां पे, फिर देखेंगे कुछ खाएंगे, फिर निकलेंगे, एक घंटे में घर पहुंचेंगे। और एक चीज यहाँ पे नोटिस किए, इतना भीड़ है लेकिन कोई भी मास्क नहीं लगाया, बस शायद हम दोनों ही जो थे ये भीड़ में। नहीं, हम दोनों और एक लड़का था, वो मास्क पहना है, नहीं तो कोई मास्क यहाँ पे नहीं पहना है। सांस फूल रहा है, एक्चुअली थोड़ा चढ़ाई है, ये चढ़ाई है और पीछे कम से कम 20 किलो का वजन लेके का बोतल, कैमरा सेटअप। तो अभी मोबाइल से शूट कर रहे हैं, अभी DSLR निकलेगा, निकालेंगे एंड फिर उसको आगे शूट करने के बाद पकड़ना पड़ेगा, एक हाथ में हेलमेट। सो हम कम से कम 700-800 मीटर आगे आ चुके हैं एंड यहाँ पे फ्लैग लगा है, पसीने से लबालब, तो लबालब लथपथ हो चुके हैं पसीने से। एंड यहाँ पे हमको लग रहा है यहाँ पे वो केव होगा, लोग तो यहाँ पे, ये भाई साहब भी आ गए, यहाँ पे गाड़ी को पार्क किया, मतलब इधर ही कहीं पे होगा। अरे ये तो ऊपर जा रहा है भाई, अभी आएगा मजा। अरे मैं सोचा था अच्छा सामने ही मैं, अरे मैं चश्मा पहना हूँ बे, साला चश्मा काला, गुफा काला, इसीलिए पता नहीं चला। एक्चुअली मैं सोचा कि वो एकदम जो शेड होता है ना, जैसे घना जंगल जितना पेड़ लगा होता है उसका शेड है, वो ही मैं सोचा दूर से, लेकिन हम लोग ऐसे नीचे से चढ़ के आ रहे हैं एंड और थोड़ा चढ़ाई। ये रहा वो गुफा, देख रहे हो सूर्य भगवान कहाँ से अपना प्रकोप डाल रहे हैं, पीछा नहीं छोड़ रहे हैं, बोलते हैं तू बाहर निकल, मैं फिर निकलूंगा। सो गुफा पहुंच चुके हैं हम लोग। तो ये रहा अंदर में शायद भगवान बुद्ध का स्टैचू, अंदर कुछ नहीं दिख रहा है भाई। अरे कम से कम काला चश्मा तो निकाल ले। अरे हाँ वे चश्मा भी पहने है काला। सो यहाँ से व्यू कुछ ऐसा है, और कुछ भी लोग आ रहे हैं थोड़ी सी चढ़ाई पे। सो मंदिर से थोड़ा सा दूर आए हम लोग ट्रेक करके, पसीने से नहा चुके हैं, लेकिन और तेज था क्यों भाई? बहुत, मतलब ये गुफा देख के मुझे आसाम जो गए थे, मोहसिन राम करके एक था कैब, शिलोंग में ना, शिलोंग में हाँ, वैसा फीलिंग आ रहा है अभी।
ओडिशा में ऐसे ऐसे जगह हम लोग देखे ही नहीं, पहली बार। और मैं यहाँ पे 3-4 बार आ चुका हूँ, लेकिन इससे पहले कभी नहीं आया था। ये यहाँ पे बस 1 किलोमीटर मंदिर से दूर है, एक गुफा है यहाँ पे, और गुफा के अंदर भगवान बुद्ध का एक स्टैचू भी है। सो अभी यहाँ पे भीड़ था। ये गुफा के ऊपर जाने के लिए रास्ता है क्या? होगा कहीं से, कुछ लोग जा रहे हैं उधर से। जा रहे हैं क्या है वो? कुछ लोग जा रहे हैं उधर से। पेड़ पे चढ़ना पड़ेगा भाई, रहने दे मेरे को। सो कुछ भाई लोगों से पूछ रहा था तो वो बोल रहे हैं कि अगर जाना है तो पेड़ पकड़ के चढ़ना पड़ेगा, तो वो तो पॉसिबल नहीं है। ऐसे अगर रास्ता होता तो चले जाते। चलो फिलहाल यहाँ पे थोड़ा टाइम स्पेंड करेंगे और फोटो फोटो खींचेंगे, फिर निकलेंगे। अभी मुझे नहीं लग रहा है कि भूख लगा है, और नहीं, खाने का सामान भी है, लेकिन कहीं रास्ते टाइम वो जो जंगल में बीच में रखे थे उधर ही कहीं पे, उधर ही कुछ खा लेंगे। सो चलो अभी रखते हैं DSLR को बैग के अंदर एंड फोटो फोटो खींचते हैं, फिर निकलते हैं आगे। हेलमेट का सेटअप विद GoPro देखो कहाँ पे रखा है जीतू, यहाँ पे रखा है। इस गुफा का और एक खासियत देखो, पत्थर से कैसे पेड़ निकला है, छोटा छोटा पौधा और उसमें भी फूल फूल है। हाँ, कितना मस्त लग रहा है ना भाई, ये सब भगवान का करिश्मा है, एकदम पत्थर के बीच से निकला है ये सब पेड़। जितना पौधा आप देख रहे हैं सब पत्थर के बीच से निकला है और सब में फूल है, जो कि बढ़िया दिख रहा है। और गुफा यहाँ पे ख़त्म, और वहाँ वो रहा एकदम नीचे रास्ता, तो चढ़ के हम लोग आए हैं और कुछ लोग यहाँ से भी जा रहे हैं ऊपर। सो गुफा छोड़ के हम लोग अभी आ चुके हैं, ढलान है, उतर रहे हैं। सो लेकिन धूप बहुत तेज है, वहाँ अभी भीड़ भी बढ़ रहा है, लेकिन हम लोग नीचे उतर आए। 1 किलोमीटर यहाँ से दूर है मंदिर, और 12 बज गया। हाँ वही तेरा टारगेट था ना 2 बजे तक पहुँचने के लिए, तो मैक्सिमम 2 बजे तक पहुंच जाएंगे हम लोग घर। अभी मूव करना है डाउन, तो कुछ प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन जब आ रहे थे चढ़ के उस टाइम में प्रॉब्लम हो रहा था। और थोड़ा सा आगे हमारा गाड़ी है, वहां से गाड़ी लेके फिर निकलना है आगे। भीड़ में फोटो फोटो खींचेंगे क्या? हाँ बढ़िया होगा, एक दो खींच लेंगे और क्या। चलो तो हम लोग एकदम नीचे उतर आए हैं एंड ये मंदिर वाला जगह पे पहुँच गए हैं, और भीड़ देख सकते हैं आप लोग, पूरा मेला लगा हुआ है। क्यों भाई आज लास्ट है? लास्ट है तो पूरा सब कुछ खाने का आइटम से लेके, तो ऐसे भीड़ में ऐसे कैसे तैसे हम लोग दर्शन करके आ गए एंड वहाँ तक पहुँच गए हैं जहाँ पे हम लोग गाड़ी को पार्क किए थे। अभी यहाँ से निकलेंगे टुवर्ड्स आवर होम एंड रास्ते में कहीं पे रखेंगे। तो गाड़ी को थोड़ा सा दूर आके ऐसे जंगल के बीचों बीच हम रख दिए, हाथ मुंह धो लिए, और कुछ खाने के लिए हम लोग लाए थे तो सोचे यहाँ पे खाएंगे, भीड़ नहीं होगा। सो अभी थोड़ा खाएंगे एंड भूख तो नहीं है, लेकिन रोड ट्रिप में बोलते हैं कुछ ना कुछ लेके आना चाहिए, कुछ ना कुछ खाएंगे तभी रोड ट्रिप का मजा डबल हो जाता है, इसलिए हम लोग इससे काम चला लेंगे। एंड पानी थोड़ा बहुत बचा है एंड उसको पियेंगे एंड करेंगे ब्लॉग को खत्म, पहले खा लेते हैं। सो बस अभी हल्का फुल्का कुछ खा रहे थे, अगर चाय का टपरी यहाँ पे मिल जाता तो मज़ा आ जाता। ऑलमोस्ट ख़त्म रोड ट्रिप यहाँ पे एंड यहाँ से सीधा जाएंगे घर विदाउट एनी स्टॉपेज। एंड टाइम फिलहाल हो गया है एकदम 12:30, ऑलमोस्ट 1:30 तक पहुँच जाएंगे। चीतू बोला था 2 बजे तक घर पहुँचने के लिए, 1:30 तक घर पहुँच जाएंगे। एंड बढ़िया से ये रोड ट्रिप को हम लोग एंजॉय किए एंड बढ़िया से दर्शन किए, मस्ती किए। कल से नया काउंटडाउन शुरू, सो इसीलिए कल से एक नया काउंटडाउन शुरू होगा मेरे भाई का, तो और एक कैरियर स्टार्ट करेगा। उससे पहले माता से परमिशन ले लिया, माता से आशीर्वाद ले लिया। सो चलिए गाइस इसी नोट पे कर एंड करते हैं वीडियो को एंड मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय। कीप लविंग, डू सब्सक्राइब, अगर चैनल में नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट में बताइए कैसा लगा। ये जरूर सब्सक्राइब कीजिए जो नए हैं वीडियो में। चलिए गाइस मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, बाय 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 बाय, पीस, जय माता दी एंड बेस्ट ऑफ लक ब्रदर फॉर न्यू फ्यूचर एंड अपकमिंग लाइफ एंड चलिए मिलते हैं, बाय बाय। पहुंच तो गए हम लोग गुफा जहाँ पे है, लेकिन पसीने से हो चुके हैं लथपथ 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 अग्निपथ अग्निपथ।